करके इस पॉइंट तक आप आज पहुंच गए। हमने पौना शेख को सुना भी, हमने पौना शेख को देखा भी, और उसकी स्टोरी बिहाइंड द सीन भी, ऑन स्क्रीन भी माहम ने हमसे शेयर की। बट व्हाट इज नेक्स्ट, मजीद क्या चीजें हैं जो प्लान कर रही है माहम? बहुत अच्छे से आप काम कर रही हैं और मजीद भी काम करना चाहती हैं, ऐसा मकसद क्या है? मतलब लोगों को आप क्या कन्वे करना चाहती हैं जिसपे आपको लगता है कि मैं अब तक कन्विंस नहीं कर सकी? वी हैव टू कन्विंस आवर ऑडियंस। हाय अल्लाह, क्या सवाल आपने पूछा। गहरी सांस लेगी इसका जवाब दे। और बड़ा अच्छा और बड़ा मुनासिब एक रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि जवाब दू ना जरूर जरूर। ऑडियंस को कोई कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। पहली बात, क्योंकि आप जब तख्लीक कर रहे होते हैं, जब एक चीज आप वो लेके आए दुनिया में, वो आपने उसको इजहार करना होता है। और जरूरी नहीं हर आप आते अपने आपका हिसाब होना है। आपके पास आपने किसी का हिसाब नहीं देना, नहीं देना। तो फिर एंड देन द प्रॉफिट वाज टोल्ड कि सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाए, किसी को जबरदस्ती इस्लाम पे नहीं लिया। तो हम किसी जबरदस्ती को परफॉर्मिंग आर्ट मतलब हम किसी को जबरी नहीं कर सकते, हम सिर्फ इजहार कर। हमने हाँ, क्या खूबसूरत बात ये, बिल्कुल। और मैं ये कहने ये यहाँ से मैं बात शुरू करने लगी थी और इन्होंने ये पता क्या बात है, मतलब वो एक चीज दिल में रखती है और आप उसे एक्सप्लेन कर देती हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल कि हम इनके साथ, इन हर आई फाउंड अ ब्यूटीफुल पर्सन, अ फ्रेंड, अ कॉलीग, अ मेंटोर। अच्छा, सो खैर, सो पॉइंट है कि बाकी एक तो नंबर वन कन्विंस मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि लेकिन एक बात है वैसे पता है कि ये जो इस तरह का काम है, मैं कहती हूँ कि चले नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत से ब्रांड्स होते हैं जो कि कोई ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया जाता है मार्केट में, उसकी फ्री सैम्पलिंग फॉर एग्जांपल लोगों को कराई जाती है, और वो ब्रांड्स हमारी असल में हमारी जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे माइंड के लिए वो अच्छे नहीं होते, उसमें केमिकल्स होते हैं, जो भी होता है, लेकिन लोग कन्विंस हो जाते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये बिलीफ है कि मुझे बहुत चैलेंज भी मिला बड़े लोगों की तरफ से, घर में भी बाहर भी, जो चंद लोग जिनको दोस्त भी कहती रही, फिर मैंने कई लोगों से दोस्ती भी खत्म करी। मैंने कहा अगर इनको मेरा वो विजन नहीं समझ आता तो फिर हमारा तो कनेक्शन ही नहीं है। Exactly. ये कहते हैं कि भाई ये किस तरह से, ये कैसे होगा, वो एक स्केप्टिकल थोड़ी सी सोचना। तो ये जो तुम कर रही हो, मैंने जिस तरह शब्द कीर्तन सीखना शुरू किया, भाई गुलाम मोहम्मद चांद मेरे उस्ताद थे, मैंने लोगों ने कहा तो सिखों का कलाम है, मैंने कहा नहीं सिखों का नहीं है, इसमें गुरु नानक भी है, इसमें भगत कबीर भी है, क्या इसमें बात है? बाबा फरीद भी, और गुरु नानक ने कभी सिखिज्म मजहब को प्रीच करके नहीं वो गए, वो लोग हैं जो अल्लाह के करीब। हाँ जी, वो तौहीद की, रूहानियत की, तौहीद की बात करते हैं। सो इसी तरह मैं ये कहूंगी कि ये चाहे पौना छह है, चाहे वो सजन यार है, या वो कोई बाकी गाने मिट्टी के हैं, या मेरा बाकी रेपर्टोर जो कि काफी चीजें ऑनलाइन पड़ी हुई है, लाइव परफॉर्मेंसेज और चीजें और रिलीजेस भी इंशाल्लाह भी होंगी। तो अभी कुछ सालों से प्रोडक्शन हो रही थी, मैं बना रही थी कुछ चीजें और रिवील भी कर रही थी, अब लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उसको रिवील करने का टाइम आया है। ठीक है, मार्केटिंग प्रमोशन हर आर्टिस्ट को, हर प्रोडक्ट को चाहिए होती है, लेकिन बात यह कि जब प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मतलब बात ही ऐसी हो रही है जो बाय डिफॉल्ट अल्लाह की तरफ से इंसान दुनिया में अपने अंदर लेकर आया है, तो उस का कॉन्सेप्ट, उस आइडिया के साथ कनेक्ट करने से मेरे ख्याल से आपका जहन मजीद खुलता ही है। जो कि हर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई खास बड़ा काम, मेरे ख्याल से ये एज आर्टिस्ट ही हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक वो हिस जब दी है, तो उस हिस के जरिए हम और लोगों को भी उनकी थॉट प्रोवोकेशन को हम उजागर करें, हम उनमें वो कुछ नया सोचने का, चीजों को कुछ नए तरीके से देखने का, महसूस करने का। अच्छा, मौका दें। मैं इसे बड़ी आम फहम जुबान में ये कहना चाहूंगी, लोगों के जज्बात को जुबान देना ये बड़ा अहम काम है। मतलब आप अगर जो फील कर रहे हैं, अगर चार लोग किसी कैफियत में है, वो किसी भी कैफियत में हो सकते हैं, अगर ये गाना पौना छह या इसके अलावा कोई गाना सुनकर देखकर आपकी फील कर सके कि मैं इसी कैफियत में हूँ, मुझे लगता है यही मसला है मेरे साथ, मुझे लगता है इसका यही हल है कि मैं अल्लाह से बात करूंगा तो ही इस मसले का हल निकलेगा। तो ये चीजें कन्विंस करने के लिए नहीं, हाँ, लेकिन आपके जज्बात की आवाज बनने के लिए मेरे ख्याल से काफी है। तो माहम हमारे साथ बातें तो हमने बहुत कर ली, लेकिन इनकी मौजूदगी का जरा फायदा उठाते हैं और खूबसूरत सी आवाज पे सुन लेते हैं। मेरा काफी देर से काफी दिल कर रहा था, लेकिन बातें इतनी हो रही थी कि मैंने कहा माहम अब हमें कुछ बेहतरीन सा सुना दे।